साथियों स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है और मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटीज ने इसे केस स्टडी के, के रूप में स्टडी करना चाहिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स को यूपीआई से बहुत बड़ी मदद मिली है भारत में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेस तैयार हुई हैं जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और साथियों आपको अंदाज नहीं है कि हम जहां हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है लेकिन मैं जी ट्वेंटी समिट के समय देखता था हमने यहाँ एक बूथ लगाया था जहाँ पर अभी आपके एग्जीबिशन लगाए वहाँ जी ट्वेंटी समिट में और वहाँ यू कैसे काम करता है हम एक एक हजार रुपया देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहाँ ले जाने का आग्रह रखती हुई जरा वहां देखे ना एक बार यानी वहां लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि यूपीआई है क्या काम कैसे करता है और उनके लिए बड़ा अजूबा था हमारे यहां गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है साथ ही इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिला है रूरल और अर्बन डिवाइड को देश कम कर पाया है और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी जब डिजिटल प्रोग्रेस हो रहे लगा तो हैव्स एंड हैवनोट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी सोशल डिवाइड की बात हो रही थी भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इसलिए हैव्स एंड हैवनोट वाली थियोरी मेरे यहाँ चल नहीं सकती है मेरे यहाँ सबके लिए सब कुछ है आज एग्रीकल्चर हो एजुकेशन हो हेल्थ हो स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45 परसेंट से ज्यादा स्टार्टअप्स, 45 परसेंट से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है नारी शक्ति कर रही है इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की सो समृद्ध की तरफ ले जा रही है जी